नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। उच्च अधिकारियों से शिकायत कर अपनी शादी रुकवाने का प्रयास विफल। बेगूसराय के भगवानपुर में आजकल युवा युवती कब क्या कर बैठेंगे अभिभावकों को पता नहीं चलता है और उसका खमियाजा अभिभावक को ही भुगतना पड़ता है। भगवानपुर प्रखंड में ही इसी तरह का एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। प्रखंड क्षेत्र के जोकिया पंचायत के टांडी गांव की एक लड़की ने 181 नंबर पर कॉल कर अपने को नाबालिग बताकर माता पिता पर जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें वह अपनी उम्र 16 वर्ष बताई थी। वह अभी नाबालिग है, ऐसा कहकर वह अभी शादी नहीं करना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है और इसी तरह वह अपनी ही शादी रुकवाने का अनुरोध उच्च अधिकारी से की थी। उपरोक्त शिकायत के आलोक में उच्च अधिकारी के निर्देश के आलोक में शुक्रवार को वीडियो मुकेश कुमार व थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने टांडी गांव जाकर लड़की व उसके पिता से बात कर मामले की जांच की। उक्त मामले में वीडियो मुकेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तथा पूछने पर उन्हें उक्त लड़की ने बताया कि शादी से उसे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं उक्त लड़की के पिता सहेंद्र मातो ने बताया कि लड़की की शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। लड़की की शादी 10 जून को ही निर्धारित था, लेकिन बगल में छुटका हो जाने के कारण वह शादी बाद में होगी। इस तरह लड़की के द्वारा अपनी ही शादी रुकवाने का प्रयास विफल हो गया तथा उसके द्वारा उच्चाधिकारियों को नाबालिग बताकर भ्रमित करने का प्रयास का पर्दाफाश हो गया तथा माता पिता को परेशानी में डालने का प्रयास भी विफल हो गया। भगवानपुर से विजय भारती की रिपोर्ट।